आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को देखा कि एक औरत है, ये पेट की अंतड़ियां इस तरह उठा के वो जहन्नम में, जहन्नम की आग में चक्कर लगा रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा जिब्राइल अलैहि सलाम से, ये औरत कौन है और इसने क्या जुर्म किया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दिया हज़रत जिब्राइल अलैहि सलाम ने, ये वाकया है बनी इसराइल की औरत का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जवाब दिया गया कि ये वो औरत है कि एक बिल्ली रखी हुई थी, उसने इसको तंग किया, किसी भी मामले में रोटी मांगती होगी और बिल्ली ने क्या तंग करना था, कोई जंग करती उससे, तो उसने उसको मारा लकड़ी के साथ और उसकी अंतड़ियाँ बाहर निकल आई, फिर उसको रस्सी के साथ बांध दिया, जकड़ दिया, उसको छोड़ा भी नहीं और ख़ुद भी रोटी नहीं डाली, छोड़ा भी नहीं कि वो कीड़े मकोड़े खा के गुजारा करती, तो अल्लाह ताला का यह गज़ब हुआ इसके ऊपर कि आज 70 बरस बीत गए जहन्नम में और ता क़यामत की औरत जहन्नम में इसी तरह जहन्नम की आग में चक्कर लगाती रहेगी। इस वजह से, इस गुनाह की वजह से रब ताला ने इसको पकड़ा है। आज हमारे इंसानों के साथ रवैये अच्छे नहीं हैं, हमारे मुसलमान माशरे में कत्ल वगारत इतनी फैल गई है कि अलमान बिल हफी, बात बात पे एक मुसलमान और एक इंसान का कत्ल, ये बंदूक निकाली कत्ल कर दिया, एक बिल्ली को नजायज मारने का ये आजाब है, और इंसानों के साथ बद अखलाकी या नजायज किसी को कत्ल कर देना कितना बड़ा वबाल होगा, आप खुद सोच लें। दुआ है कि मुझे और आपको अल्लाह ताला अजीम अखलाक अपनाने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्ला